मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बासिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आगे का एजेंडा में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा में आज से शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। दोपहर को 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज से 10 अगस्त तक ये चर्चा चलेगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। लंबे समय से मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर को लेकर संबोधन दे, बात करें, और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव आया है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। 10 अगस्त तक ये चर्चा चलेगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। देखिए, 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। दोपहर 12 बजे का वक्त है, चर्चा की शुरुआत होगी और 10 अगस्त की तारीख जब पीएम मोदी इस पर जवाब देंगे और उसी का इंतजार कर रहा है विपक्ष। और इसके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस की ओर से राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर पहले वक्ता, ये उन्होंने साफ कर दिया, हमारा मुद्दा सिर्फ मणिपुर है, ये भी उन्होंने कहा है। और हम पीएम की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पीएम सदन के भीतर इस पर बोलें, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। जिस तरीके से मणिपुर लगातार जल रहा है इस पर पीएम की चुप्पी, और इसी पर निशाना विपक्ष लगातार साधता रहा। और देखिए, अब विपक्ष ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पीएम की प्रतिक्रिया इस मामले में सदन के भीतर आए। बिल्कुल, और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर कल भी संसद में माहौल गर्म रहा। दिल्ली सर्विसेज बिल पर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा और जवाब के लिए हमेशा से तैयार है, लेकिन विपक्ष जिस मकसद के साथ ये प्रस्ताव लेकर आया वो कभी पूरा नहीं होगा। और देखिए, उन्होंने विपक्ष को चुनौती भी दे डाली है। धन्यवाद, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं माननीय 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे माननीय, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। माननीय मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है। सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, बयान आपने सुना। अब आइए, हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आप ही का रुख कर रहे हैं। देखिए, बार बार बीजेपी ये कह रही है कि अविश्वास बहाना, मोदी है निशाना और आज से चर्चा की शुरुआत होनी है। हंगामेदार पूरा ही ये सत्र रहेगा या फिर आज का दिन और आने वाले 2 दिन, 9-10 तारीख, क्योंकि 10 को तो पीएम का खुद जवाब होने वाला है इस पर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये केवल अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना है, मोदी पर निशाना है, ये बिल्कुल कोई बात। देखिए, विपक्ष भी इस बात को मान रहा है, विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए उनके पास और कोई हथियार नहीं था, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए ताकि कम से कम सामने जब सदन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे तो उनके सामने मणिपुर पर वो बात रख सकते हैं, चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना होगा। तो एक बात तो साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो हथियार है वो इसीलिए है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में लाया जाए और उनसे बुलवाया जाए मणिपुर पर। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत वाले दिन ही, जब शुरुआत होने से पहले सत्र शुरुआत होने से पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट मीडिया से बात करते हुए दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी। मणिपुर घटना को उन्होंने बड़ा ही उस पर दुख पीड़ा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि यह पीड़ादायक है और देश के किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह की होती है तो पीड़ा होती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी जिक्र किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर में सबसे पहले वो बोल चुके, लेकिन चूंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि वही प्रधानमंत्री ही आकर जवाब दे सदन में, राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों जगह आकर जवाब दे, तो इस बात, इस जिद के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी जो अब सबसे अहम बात आपने कही कि आज हंगामेदार, निश्चित रूप में आज बहुत हंगामेदार रहने वाला है और उससे भी बड़ी बात यह है चूंकि आज राहुल गांधी खुद आज सदन में मौजूद रहेंगे और वो विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो निश्चित रूप में ये हंगामा और बढ़ने वाला है। बिल्कुल नीरज, और जैनेन्द्र भी हमारे साथ है। जैनेन्द्र देखिए, राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उनका संबोधन वहां पर होगा। अब ऐसे में विपक्ष किस रणनीति के तहत सदन में आएगा, क्योंकि 8, 9 और 10 अगस्त ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। देखिए जैसा नीरज जी बता रहे थे कि ये मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में जवाब दें, इस रणनीति के तहत विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन न सिर्फ मणिपुर बल्कि इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सरकार की जो कमजोरियाँ हैं उस फ्रंट पर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो है वो सरकार की घेरेबंदी करेंगे। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और अविश्वास प्रस्ताव जिस पार्टी ने लाया यानी कांग्रेस, उनके तरफ से 4 वक्ता अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। बहस की शुरुआत जो है वो राहुल गांधी करेंगे और जिनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई है लगभग तकरीबन 3.5 महीने के बाद। इसके अलावा गौरव गोगोई जो कि असम से सांसद हैं, पूर्वोत्तर का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, और गौरव उन सांसदों में भी शामिल हैं जो पिछले हफ्ते मणिपुर जाकर के जिन्होंने हालात का जायजा लिया था, वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा मनीष तिवारी बोलेंगे और दीपक बैज आदिवासी समुदाय से आते हैं और वो अपनी बात रखेंगे। और इनके अलावा जो अन्य पार्टियाँ हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर डीएमके हो, तमाम जो विपक्षी अन्य पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके भी बड़े चेहरे जो है वो सरकार पर तीखे हमले करेंगे और निशाना साधेंगे। मणिपुर केंद्र रहेगा लेकिन इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर भी सरकार की घेरेबंदी की जाएगी। विपक्ष इसके जरिए जो है वो सरकार को जवाबदेही सरकार की जो है वो तय करने की कोशिश करेगा और सबका लक्ष्य टारगेट जो है वो यही रहेगा कि प्रधानमंत्री आखिरी दिन मणिपुर के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इसको लेकर के पहले से ही सवालों का की घेरेबंदी सरकार की और प्रधानमंत्री की जाए। बिल्कुल ठीक है जैनेन्द्र, और लगातार कोशिश तो यही है कि मणिपुर के मुद्दे पर बोला जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और जो चुप्पी रही इतने लंबे वक्त तक उसको एक हथियार के तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आ रही है विपक्षी पार्टियां, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आज से चर्चा जब होगी तो हंगामेदार पूरा ये दिन और आने वाले 2 दिन रहने वाले हैं। और देखिए इसी पर बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे चर्चा होगी, ये भी आप जान लीजिए, और लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी मिली है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है। लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी, दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे चर्चा होगी, ये बड़ी खबर है। तो लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी मिल गई है, यानी कि 12 घंटे तक इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस चर्चा का जवाब देंगे, और आज से इस चर्चा की शुरुआत हो रही है, 12 घंटे तक ये चर्चा चलेगी। और देखिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़े हैं, जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अजय उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस के, एके वाजपेयी प्रवक्ता है एलजेपीआर के, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता हैं एसपी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जफर इस्लाम साहब आप ही से करते हुए, बेशक विपक्ष के पास नंबर नहीं है लेकिन रणनीति मजबूत है, और इसी के तहत सबसे पहले जो चर्चा शुरू होगी वो राहुल गांधी के संबोधन के साथ होगी, भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से देखती है, सरकार की क्या रणनीति है? देखिए कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे ही बोला कि जो इनकी जो बार बार डिमांड है कि चर्चा करें
मणिपुर पे, वो तो डिमांड पहले ही हम चाहते थे चर्चा करें, हम कुछ चाहते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हो, कहते रूल्स 267 में करना चाहते, 176 में कम मिलेगा। उन्होंने लेटर लिख के, पत्र लिख के दे दिया LOPs को कि भाई आप जितना समय लेना चाहें लीजिए, हम चर्चा करेंगे। फिर भी चर्चा नहीं किया, इससे मतलब से समझ में आता है कि उनकी मंशा चर्चा बिल्कुल करना नहीं, चर्चा चाहते ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चर्चा के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए, मणिपुर जैसे मुद्दे पर अगर चर्चा करनी है तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि एक तरह से आप मानेंगे कि ये उनकी जीत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी को वो चाहते थे सदन में जवाब दें, अब देना होगा उनको। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा है कि सदन में जब अभी ये चर्चा है, नो कॉन्फिडेंस मिशन है, तो उसमें एक मणिपुर क्यों, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और आपको मैं बताता हूं कि जिस वक्त राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन जब ये खत्म होगा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का आखिरी भाषण होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो हम कोई डिफेंड करने के लिए नहीं, इसलिए कि अब ये अब पूरे चर्चा के दौरान ही ये एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है इनको एक्सपोज करना, इसलिए कि इनको बता, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कुकी और नागा के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ था जब 1993 में, तब इन्होंने किसको भेजा था, 500 से ज्यादा लोग मरे थे, किसको भेजा था, MOS मिस्टर पायलट जो उस वक्त राजेश पायलट जी थे, वो MOS थे, उनको भेजा था वहां पर मणिपुर, और वो सिर्फ 3.5 घंटा के लिए गए थे, 2 घंटा एयरपोर्ट में लोगों से मिले, 1.5 घंटा गवर्नर के अखाना का 1 मिनट, और उसके बाद जब सदन पे आके MOS ने चंद मिनट बात की, उसके अलावा ना तो गृह मंत्री ने बात की, MOS होम ने बात की, लेकिन गृह मंत्री ने बात नहीं की, ना तो प्रधानमंत्री ने बात की। आज अपना जरा गरिमा झांक के देखिए कि उस वक्त 540 लोग मरने के बावजूद इन लोगों ने डिस्कशन नहीं चाहा, और आज ये बार बार ठीक है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, जो बातें आपने कही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, ये जान लेती हूँ और उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अजय उपाध्याय जी, ये कहा जा रहा है जफर इस्लाम की तरफ से कि आप लोगों की मंशा थी ही नहीं चर्चा की, पहले तो आपने सदन को रूल्स में उलझा करके रखा कि सीमित समय असीमित समय, और उसके बाद वो सीधे सीधे आप पर ये कह रहे हैं इतिहास का हवाला देते हुए कि आपका जो बहाना है अविश्वास वाला वो अब निशाना कहीं और है। अभी जफर भाई एक विद्वान प्रवक्ता है लेकिन आश्चर्य होता है, ये क्या चाहते हैं कि जब देश मणिपुर में 500 लोगों की मौत हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, क्या यही भाषा है पुराने इतिहास का कहानी बना करके, जिस तरह से अदूरदर्शी और असंवेदनशील और अलोकतांत्रिक जो यहाँ पे विचार रख रहे हैं, उसी तरह का विचार अभी कल पार्लियामेंट के पटल पर जो रखा है गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री जी तो दो बार गए, बंगजगीन बालते तो जानते होंगे जफर भाई, भाजपा के MLA हैं, आज न खा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, उनको भीड़ ने जिस तरह से मारा है, जितनी पिटाई की है, कई बार प्रयास किया प्रधानमंत्री जी से मिलने का, वहां के विधायक आपके भाजपा के लोग, लेकिन उनसे भी वो नहीं मिल पाए। बोलने की बात है, प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी तो पूरे देश ने देखी, 36 सेकंड उन्होंने बोला, क्या PM साहब आपके ही पार्टी के विधायक आपसे नहीं बात कर सकते, क्या मणिपुर चल में जिस तरह गृह युद्ध चल रहा है क्या उस पर सवाल पूछना गलत है, क्या देश सुरक्षित नहीं लेकिन हो पाएगा। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए शुरुआत से ही तैयार थे, आप ही ने उलझा करके रखा। नहीं, चर्चा के लिए इतना ज्यादा शुरुआत से ही वो तैयार थे, 36 सेकंड उन्होंने बात रखी, पार्लियामेंट में लगातार इनके विधायक MP जो है हडल क्रिएट करते रहे, 267 में जब बात हुई तो 267 में ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या पूर्वांचल इस देश का राज्य है या नहीं, ठीक है, क्या दो बार गए गृह मंत्री जी, वहां के मुख्यमंत्री अभी भी क्या कर रहे हैं, इतनी महिलाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, जिस तरह से चीरहरण हुआ, प्रधानमंत्री जी क्या उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते थे, जिस तरह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिस तरह से हजारों जो है राइफल्स वहां लूटी गई है। जफर इस्लाम साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे को समय सीमा के साथ बांध कर ही बात करना जरूरी है। अगर ये बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें तो फिर क्यों कहा जा रहा था कि गृह मंत्री जवाब देंगे, ये सवाल उठाए जा रहे हैं अजय उपाध्याय की तरफ से। ये खोखले दावे कांग्रेस और अपोजिशन के हैं, हकीकत तो ये है कि जब भी हमने चर्चा की, अरे सदन में जाके बोला है गृह मंत्री जी ने, उसके बाद लेटर भी लिखा है, लेटर जरा इनको पढ़वाइए, लेटर
ये पढ़ेंगे तो इनके आंखें खुल जाएगी। दो बार गए एलओपीस के आंख नहीं खुली कि उनकी मचे। अरे बीच बीच मत बोलिए, मैंने बीच में आपको नहीं बोला, सुन ले। अरे सोरिया बीच में मत बोलिए। अजय जी रुकिए रुकिए प्लीज, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद फिर आपका रिएक्शन। अजय जी रुकिए प्लीज, जफर इस्लाम। अरे देखिए अपने अपने समय बोलिए, यहाँ जूम से कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा मुझे कौन क्या बोल रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अपने समय बोलिए, मैं बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि गृह एमओएस होम उनके 3.5 घंटे के लिए गए थे, यहाँ एमओएस होम नित्यानंद राय जी 1 महीना तक वहीं थे, पूरे कंट्रोल रूम में बैठ के कंट्रोल कर रहे थे। और दूसरी बात, गृह मंत्री जी 2 बार वहां पर गए, साथ साथ गृह मंत्री जी ने लेटर पत्र दिखाई है इनको कि इसमें लिखा है कि कोई समय सीमा की बाधा नहीं, जितना चर्चा करनी है। अरे भाई चर्चा तो कीजिए, आप रूल में क्यों भटका रहे हैं? आपको चर्चा ही नहीं करना है, हम जब कह रहे हैं लेटर में एलओपी को क्या आप बार बार कह रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, वो बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले इस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री का जवाब। प्रधानमंत्री जी या अभी पहली बात तो गृह मंत्री जी, ये लॉ एंड ऑर्डर जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? वो गृह मंत्री अगले में आता है। गृह मंत्री जी खुद स्वयं आके सदन के पटल बोला और उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इनकी मंशा होती तो गृह मंत्री बोल रहे थे। इनके यहाँ जैसे नहीं एमओएस होम को भेज दिया 3.5 घंटे के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मांगा है, इस पर तो चर्चा बहुत होगी और बहुत सारी चीज तो होंगी। आज कांग्रेस देखिए जफर इस्लाम साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग का फोकस जो है, हमारा जो फोकस है वो रहेगा मणिपुर पर ही, जवाब हमको उसी पर चाहिए। अजय जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे आशुतोष जी के पास। अजय जी जफर भाई जो बात कर रहे हैं, एक तो झूठ बोल रहे हैं सरेआम राष्ट्रीय चैनल पर। अविश्वास प्रस्ताव का जब हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया तब गृह मंत्री जी को याद आया कि अब जो चर्चा हो सकती है लंबे समय तक, लेकिन वो भी झूठ और दिखावा कर रहे हैं। जब गृह मंत्री जी गए थे वहां 2 बार गए, अभी भी वहां सीएम वहां बैठे हुए हैं, क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई? गृह मंत्री का भरोसा आप कैसे देश करें? देश प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहता है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी क्यों मुंह में दही लगाए हुए हैं? अजय उपाध्याय जी, मैं मेरा एक सवाल आशुतोष वर्मा जी से रहेगा। आशुतोष जी ये बताइए कि अब तो प्लेटफॉर्म खुला है ना, अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी तो मुद्दा एक नहीं होगा, मुद्दे बहुत सारे होंगे, खुला प्लेटफॉर्म दे दिया आपने, तो सिर्फ फोकस मणिपुर पर कैसे रहेगा? देखिए बड़ी दुखद है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और अपने राज्यसभा के रूल्स बुक को भी बताने से कतरा रहे हैं। ऐसा प्रेशर होता है मोदी सरकार के सांसदों और कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये बहुत दुखद है। और ये बोल रहे हैं विपक्ष उलझा रहा है, यहाँ पे एक बड़े विद्वान पत्रकार बैठे वो बताएंगे कि विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा है कि चर्चा करो मणिपुर पर चर्चा करो, लेकिन आज 92 दिन हो गए हैं, इस देश का चौकीदार शांत बैठा हुआ है, जहां की बच्चियों के साथ ये हैवानियत पूरे देश ने देखी है, पूरा देश शर्मसार हो गया। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हम 176 रूल के तहत चर्चा चाहते हैं। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, बिल्कुल 176 रूल के तहत मात्र 2.5 घंटे से ज्यादा चाहते थे लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन आप पर भी आरोप लगा कि रूल 176 267 में आपने उलझा करके रखा, दरअसल विपक्ष की मंशा थी ही नहीं कि इस पर चर्चा हो। तो बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में आज से शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, दोपहर को 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज से 10 अगस्त तक ये चर्चा चलनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है 8 अगस्त 9 अगस्त 10 अगस्त ये 3 दिन मुकर्रर किए गए हैं जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आज 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का ये प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बहुत महत्वपूर्ण दिन और सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आज जो चर्चा की शुरुआत होनी है उसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखिए चर्चा इसी पर लगातार हम कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एके वाजपेयी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के वो हैं। एके वाजपेयी साहब, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी आज की पेश होने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर, और साथ ही विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता होंगे राहुल गांधी। पहले तो ये जफर इस्लाम को बधाई देंगे हम कि भैया सेमीफाइनल आप जीत गए कल, और ये सब इन लोगों ने भले ही कहा था कि हम सेमीफाइनल जीतेंगे, और अरविंद केजरीवाल और ये क्या IND IA क्या बना हुआ है,
ये सब इस पर करते थे, सेमीफाइनल जीत के दिखाओ, जीत गए ना। और ये फाइनल आज जो होगा कल दो तीन दिन में अविश्वास प्रस्ताव, ये भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि जब मोदी जी बोलेंगे तो इनके छक्के ऊपर छक्के उड़ा देंगे। देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से ये सेल्फ कॉल है कांग्रेस का। हमारी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात रोक दी गई है। आ रहे हैं वापस से आपके पास, आ रहे हैं कि आप तो आशुतोष जी वापस आओगे आप तो एक हम ये समझ रहे थे कि कांग्रेस जो है अकेली नहीं है, कांग्रेस के साथ ये 25-26 पार्टियां मिल गई तो कोई समझदारी का डिसीजन लेंगे, लेकिन सबको मिलाने के बाद भी वो कंफ्यूज थे। आप कह रहे हैं एके वाजपेयी जी की फाइनल है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव फाइनल है या फिर 2024 फाइनल है, और उससे पहले जिस तरीके का दावे चला गया है, क्या आप इसको फाइनल के तौर पर देखते हैं? डेढ़ घंटे बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, तीन दिन ये चर्चा चलेगी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा शुरू करेंगे ये जानकारी है, और बहस से पहले बीजेपी और विपक्ष की बैठकें लगातार हो रही हैं, किस तरीके से इस पर चर्चा करनी है, किस तरीके से एक दूसरे को घेरना है, इसी की रणनीति दोनों ही दल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी खेमा भी मजबूती के साथ सदन में आने की पूरी कोशिश करता हुआ, साथ ही बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर आगे बढ़ा रही है। डेढ़ घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी, वक्त है दोपहर 12 बजे, और चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से करेंगे राहुल गांधी। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बेशक विपक्ष के पास इस वक्त कोई नंबर नहीं है वो जानता है, लेकिन उससे पहले 2024 अगर हम देखें, चुनाव भी नजदीक है, और उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव का आना, 138 दिन के बाद राहुल गांधी का सदन में आना और सबसे पहले शुरुआत करना, ये किस तरफ इशारा करता है, क्या सरकार के लिए चुनौती भरा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि सरकार के लिए चुनौती जैसी कोई चीज तो है नहीं, राहुल गांधी के सदन में आने से भला कौन सी चुनौती होगी, राहुल गांधी सांसद थे, एक उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी वजह से न्यायालय ने, सत्र न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक उनको दोषी माना गया, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं है, राहत दे दी, तो दोष मुक्त पूरी तरह से नहीं हुए, उस सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिहाज से और विपक्ष के लिहाज से देखें तो चूंकि अविश्वास मत तो लोकसभा में ही आना है, तो लोकसभा में राहुल गांधी होंगे तो उनके एजेंडे को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया उनका नेता वहां पर होगा, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि उनका मोरल बूस्टअप है, और ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जब चाहे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जीतना तो कभी होता नहीं, अविश्वास प्रस्ताव एक बार छोड़ दें तो कभी सरकार गिरी नहीं है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है, और मैं उस पर क्योंकि आशुतोष जी ने मेरा संदर्भ लेकर कहा, निश्चित तौर पर सरकार कई बार चर्चा कराने से भागती है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर सरकार भागती नहीं दिखी, नियमों को लेकर जरूर दोनों के बीच में एक तरह से कहें कि गतिरोध बना रहा। अब देश की जनता यह जानना चाहती है कि अगर नियम को लेकर विपक्ष इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो क्या मणिपुर का मुद्दा उससे कम सेंसिटिव है, कम संवेदनशील है? और अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई बार ये कह चुके हैं, पीयूष गोयल ने कहा था एक दिन तो 2 बजे बहस भी शुरू होनी थी, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। अब अगर आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर लाकर हम मणिपुर पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संवेदनशीलता कमतर दिखती है। मेरा ये मानना है कि देखिए आंकड़े नहीं है और फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स है, और क्या कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो पूर्वोत्तर के राज्यों में हो या फिर जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं वहां के आधी आबादी के बीच में, कोई मैसेज गहरा डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से? हर्षवर्धन जी, जी नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जब जो कोशिश है वो दोनों तरफ से हो रही है, विपक्ष कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को ही इस मुद्दे पर घेरें, और सरकार की तरफ से कोशिश है कि वो ये बताएंगे कि इसका हिस्टोरिकल क्या रहा है, किस तरह से मणिपुर में क्या स्थितियां रही हैं, और यहां तक कि इसी के बीच में नागालैंड से पहली महिला सांसद आती है, और उन महिला सांसद को एक दिन के लिए वो चेयर की शुरुआत भी वो करती है।
मुझे लगता है कि ये सारी चीजें और इधर से कोशिश ये ठीक है आश्वेदन जी और ये स्ट्रॉन्ग ठीक है एक मैसेज देने की कोशिश तो कर रहा है विपक्ष, लेकिन आपने कहा कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही थी। आशुतोष जी आपका रुख करते हुए जो बातें हर्षवर्धन जी ने कही है उसका जवाब भी दीजिएगा। और सवाल ये कि उन्होंने कहा कि सरकार भाग नहीं रही थी, नियम में उलझाने का काम विपक्ष ने भी किया शुरुआत से लेकर के अब तक। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस और इनके सिंपथाइजर लोग असलियत बताना नहीं चाहते हैं देश को। आप ये पूछे कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया, क्योंकि संसद में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम रूल 276 के थ्रू चर्चा चाहते हैं। और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि 176 के तहत मात्र ढाई घंटे से ज्यादा आप एक मिनट भी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जो विपक्ष का काम है उसका कहना यह है कि इतनी बड़ी जघन्य अपराध के लिए हमको लंबा समय चाहिए और इसलिए हम 267 जिसमें समय की बाध्यता नहीं है इसमें चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार भागना नहीं चाहती है क्या? 150 मिनट में अंदर 543 सांसदों की बात वहां पे रखी जा सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उस पर चर्चा भी आज से शुरू हो जाएगी। तीन दिन मिल भी गए हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, किसका क्या सवाल रहता है, क्या जवाब रहता है। लौटेंगे आपके पास अविश्वास प्रस्ताव से पहले। देखिए सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी तेज हो गया है, किसने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समाधित होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए? कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे, तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। जफर इस्लाम साहब, विपक्ष तो खुद ये मान रहा है कि भाई हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन बात है मुद्दों की, और अब जब बात मुद्दों की होगी तो फिर सरकार को जवाब देना होगा। और सरकार के खिलाफ ये कोई पहला विश्वास प्रस्ताव तो है नहीं, दूसरी बार आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अवसर सरकार के लिए है, बोलने का मौका मिलेगा, या अवसर विपक्ष के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष को यह अवसर पहले से था। हम तो बार बार चाहते थे इस पर चर्चा हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे। पता नहीं कौन कह रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मुझे रूल और रेगुलेशन नहीं मालूम है या नहीं बताना चाहते। मैं तो कह रहा हूँ कि रूल 267 और रूल 176 पे बीच में वो खिलवाड़ कर रहा था विपक्ष। अगर वाकई उनकी चिंता रहती कि वो चर्चा करे तो चर्चा तो शुरुआत कर देते, जब समय की बाधा खत्म कर दी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लेटर लिख के एलओपी को कह दिया कि भाई आप जो समय चाहिए हम लेंगे, लेकिन डिस्कशन कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, तो इनकी मंशा तो जाहिर है। अब उन्होंने सेल्फ गोल करते हुए हमारे को मौका दिया है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो बहुत सारे चीज पे चर्चा होती है, बस सरकार पे बात है तो सरकार अपनी बातें तो रखेगी, उसमें मणिपुर भी होगा लेकिन बहुत सारी बातें रखेगी सरकार, तब ये और पूरे इतिहास को खंगाल के रखेगी, तब इनके कलाई खुल जाएगी, इन पूरे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और इनको लगेगा कि इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया है, इसलिए कि इन 2024 में के ध्यान में रखते हुए अगर इन्होंने कुछ कहा है और इस तरह की जो हथकंडे अपनाए हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको तो मौका दे दिया है इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लाकर के, इसका जवाब लेते हैं। अजय जी, जफर इस्लाम ने जो कहा उसका जवाब भी दीजिए, और वो कह रहे हैं कि आपने अवसर उनको दे दिया है, उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है कि सदन के भीतर वो अपनी सरकार की 9 साल के कार्यकाल को गिना सकते हैं, उपलब्धियां बता सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, 9 साल की उपलब्धियां ये दिखाएंगे। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है इसको भी ये जरूर देश में
पहुंचाएंगे, मणिपुर से मेवात तक जो घटनाएं हुई हैं इस पर भी जरूर चर्चाएं करेंगे, ये जरूर करें, लेकिन हम लोगों का क्लियर है कि जो मुद्दा है मणिपुर में 160 लोगों की जान गई है, लगभग 3 महीने से वहां लोग जो है परेशान है, जिस तरह से गृह युद्ध की हालत है, जिस तरह राइफलें लूटी जा रही है, महिलाओं के वस्त्र चीरहरण किए जा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर सरकार आकर के जवाब दे। और जवाबदेही का प्रश्न है ये, प्रतीकात्मक एक विरोध का प्रश्न है ये, नंबर का प्रश्न नहीं है। बहुमत की तानाशाही में ये लोग भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। लोकतांत्रिक मर्यादा कहती है कि जो भी संसद में बात होगी उस पर सरकार जो है आगे आकर के काम करेगी। प्रधानमंत्री जी से पूछिए 15 दिनों में क्या ठीक है बहुमत की बात होगी और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, वो बात का प्रश्न है। 15 दिन तो हो गए ना, इस बीच में प्रधानमंत्री जी ने कितने भाषण दिए होंगे देश में, ठीक है, क्या कहीं भी मणिपुर पर कोई चर्चा की उन्होंने? अजय उपाध्याय जी, ये इंतजार रहेगा जनता को भी कि आखिर सदन में क्या होता है, कितनी ज्यादा गंभीरता के साथ विपक्ष अपनी बात रखता है, सरकार अपनी बात रखती है, सबकी नजर रहेगी इस पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू हम करवा दें। दिल्ली सरकार में बड़ा बदलाव, आतिशी को 2 और विभाग मिले, आतिशी को सर्विस विजिलेंस विभाग दिया गया है, पहले सौरभ भारद्वाज के पास ये दोनों ही विभाग थे। ये दिल्ली सरकार में जो बदलाव हुआ है उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने है। आतिशी को 2 और विभाग मिले हैं, कौन कौन से हैं वो विभाग जान लीजिए। सर्विस और विजिलेंस विभाग आतिशी को दिया गया है, बड़ी जानकारी। और पहले ये दोनों ही विभाग जो थे वो सौरभ भारद्वाज के पास थे। दिल्ली सरकार में बड़ा बदलाव, ये बड़ी खबर। सबसे बड़ी जानने की वजह ये रहेगी कि आखिर ये बड़ा बदलाव किन वजहों की वजह से किया गया, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जो कि पहले ये दोनों विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब ये विभाग आतिशी को दे दिए गए हैं। सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी अब आतिशी संभालेंगी, एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली सरकार में किया गया है। 2 और विभागों की जिम्मेदारी आतिशी को मिल चुकी है, यानी कि जो 2 विभाग पहले सौरभ भारद्वाज के पास थे वो 2 विभाग अब आतिशी संभालेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, कल ही राज्यसभा में ये दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है और उसके पास होने के बाद ही तो ये सरकार ने सर्विस और विजिलेंस इन्हीं सबसे बड़ा विवाद रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट को लेकर ये कहा है अमित शाह ने भी जब इस बिल को पेश कर रहे थे लोकसभा में कि सर्विस डिपार्टमेंट को ये लोग इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार लेना चाहती थी ताकि अपने मन मुताबिक अधिकारियों को हटाया जा सके, उनको रखा जा सके। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सर्विस के मामले में, जब दिल्ली सरकार को हक दे दिया था, तो तुरंत ही जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सर्विस विभाग के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया, उनको उस पद से हटा दिया। तो ये बहुत जल्दबाजी में काम किया गया था। दूसरा, विजिलेंस डिपार्टमेंट वो है जो कि कई सारे मामलों में जांच कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला हो या फिर शराब नीति जो लाई थी दिल्ली सरकार, उस पर जो जांच चल रही हो। तो अमित शाह ने ये कहा था कि इस डिपार्टमेंट की कई सारी फाइलें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जांच के लिए आज से, उस पर भी कहीं ना कहीं हेरफेर। बिल्कुल ठीक है दीपक, अब इस पर रिएक्शन किस तरीके से आते हैं वो भी अहम हो जाते हैं। सौरभ भारद्वाज ये दोनों विभाग संभाल रहे थे, अब आतिशी के पास ये आ चुके हैं। बड़ी खबर ये है कि संसद में सिग्नेचर विवाद पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। राघव चड्ढा ने गलत नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये कहा है, बीजेपी झूठ फैला रही है। आम आदमी पार्टी की सफाई, अब इस मुद्दे पर कहा कि राघव चड्ढा ने कुछ गलत नहीं किया, बीजेपी झूठ फैला रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए। इस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्यवाही के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है, और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। संसद का ये मॉनसून सत्र शुरुआत से ही हंगामेदार रहा है। पहले तो मणिपुर और दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर आर पार की लड़ाई हमने देखी किस तरीके से हुई, लेकिन अब दोनों सदन से दिल्ली बिल पास होने के बाद नए मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया है, जिसके केंद्र बिंदु बने हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा।
दरअसल बीजेपी के निशाने पर है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। बीजेपी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। राघव के खिलाफ 5 सांसदों ने शिकायत की है। राघव के प्रपोजल में अपना नाम होने पर एतराज जाहिर किया। विशेष अधिकार हनन का आरोप लगाया, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए जिन सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने शामिल किए उनमें से बीजेपी के 3, बीजू जनता दल और अन्नाद्रमुक के 1 सांसद ने फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया। और देखिए, इन्होंने विशेषाधिकार हनन का हवाला देकर शिकायत की है। वहीं आप और कांग्रेस का कहना यह है कि राघव ने नियम के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। अभी थोड़ी ही देर पहले संजय सिंह को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम आगे करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता हो, वो कहते हुए दिखाई दिए ऐसे कोई नियम नहीं है। अब देखिए, आप इसको नकार रही है, वो कह रही है कि कोई गलत काम नहीं किया राघव चड्ढा ने। वहीं जिन सांसदों के नाम का इस्तेमाल किया गया है वो इसको लेकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ये सुनाते हैं कि कल रात दिल्ली सर्विसेज बिल के पास होने के बाद जब राघव चड्ढा की तरफ से इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव सामने आया, इसमें एनडीए के सांसदों के नाम भी थे, तो गृहमंत्री अमित शाह ने किस तरह से इस पर एतराज जाहिर किया। बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय दोनों सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। माननीय इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। माननीय ऐसे नहीं चलता। माननीय अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। माननीय ऐसा कैसे चलता है? माननीय मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। राघव चड्ढा पर संसद में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं, लेकिन उनका दावा यह है कि सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, ये उन्होंने दावा किया है। सबसे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। तो राघव चड्ढा पर क्या क्या आरोप लगे हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं ये पूरा प्रकरण, ये पूरा विवाद क्या है। देखिए, दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव में फर्जीवाड़े के आरोप, बिल्कुल बिना सहमति राघव ने प्रस्ताव में दिए सांसदों के नाम, इसको लेकर सांसद नाराज हैं और सांसदों ने प्रस्ताव में अपने नाम पर आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप सीधे सीधे लगे हैं आप सांसद राघव चड्ढा पर। और एक आ गया है कि सिलेक्ट कमेटी को नाम भेजे गए, प्रस्ताव भेजे गए, उनमें उनका नाम शामिल किया गया, इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की है 5 सांसदों ने। बिल्कुल, और कहा कि इस प्रस्ताव में अपने नाम पर उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए कि बिना हस्ताक्षर के बिना पूछे एतराज जताया कि नाम आगे भेजे गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया, नतीजा सबके सामने है, ये पीएम मोदी ने बात कही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई, सूत्र ये बता रहे हैं। पीएम मोदी ने वहां पर क्या कहा वो भी आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल का मन था विपक्ष का, जो कि हो गया और उसका नतीजा भी सामने आ गया और वो नतीजा पूरे देश ने देखा, ये पीएम मोदी ने बात रखी। और ये सीधे सीधे बात हो रही है दिल्ली सर्विस बिल की, जो लोकसभा उसके बाद राज्यसभा से पास भी हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन, लेकिन सेमीफाइनल का नतीजा सबके सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अंकित, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सूत्र बता रहे हैं खत्म हो गई है बैठक, क्या रहा खास?
जी बिल्कुल, बैठक खत्म हो गई है और जो भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की तरफ से ये जो दिल्ली वाला दिल्ली सर्विस बिल था, राज्यसभा में जब आना था तो उसको एक सेमीफाइनल करा दिया जा रहा था और ऐसे में वो सेमीफाइनल खेलना चाहते थे, सेमीफाइनल खेल लिया गया है यानी कि सेमीफाइनल हो गया है और उसका नतीजा अब देश के सामने है, यानी कि विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। तो प्रधानमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कि राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल आएगा तो एक तरह से सेमीफाइनल होगा विपक्ष के लिए, तो प्रधानमंत्री ने उसी का जिक्र किया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सबके बीच में कि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि संसद का सत्र खत्म होने के साथ ही में देश में एक अभियान चलाया जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो ये नारा दिया जाएगा, ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये जो अगर हम इस लाइन की मतलब समझे, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, तो इंडिया साफ तौर पर यहां पर अगर हम इसको रेफरेंस निकालते हैं तो विपक्षी संगठनों का जो नाम जो उन्होंने रखा है i.n.d.i.a इंडिया, उसके ऊपर एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया है और यह कहा है कि जनता के बीच अब हमको जाना होगा और जनता के बीच अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बताना होगा कि किस तरीके से परिवारवाद, तुष्टीकरण और ये जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको इंडिया छोड़ना होगा। एक तरीके से इंडिया को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपना संदेश अपने सांसदों के बीच में दे दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित, आपका बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देखिए परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, ये अभियान चलेगा। पीएम मोदी ने ये भी बात कही।